हरिओम फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे, कॉटन की वेस्टर्न ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस शुरू करते हैं। ड्रेस शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल हरिओम नेटी में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के गोपाल जी की जो ड्रेस बनाएंगे उसमें हम कुछ खास लेस तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ ये ओनली मैंने ये थ्रेड वाली लेस ली है क्योंकि ये समर के लिए अच्छी रहती है, और इस तरह का मैंने इसमें रिबन यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। तो यहाँ पर जो मैंने ये स्टिप ले रखी है, मैं उस मेजरमेंट बता देती हूँ आपको कि कितना लिया है। और फ्रेंड्स, मैं कॉटन की कोई भी ड्रेस बनाती हूँ तो उसके नीचे लाइनिंग जरूर लगाती हूँ, तो आप भी चाहें तो लाइनिंग जरूर लगाएं। लाइनिंग लगाने से ड्रेस का बेस अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसके साथ कि ये लाइनिंग बेस ये कट किया हुआ है, तो इन दोनों को मैंने बराबर ही कट किया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने देखिए 19x38, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने एक ये लेंथ लेकर दूसरी हमने यहाँ से ये देखिए 5.5 ली हुई है। तो इस तरह से हमने एक स्टिप को कट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे, और उससे पहले मैं आपको चोली बता देती हूँ। ये देखिए, ये चोली के लिए भी मैंने एक छोटा सा पीस कट किया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा 3.5 बाय इस तरह से 3 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी हम रेप कटिंग करेंगे, और इसको मैंने डबल लिया हुआ है क्योंकि चोली को भी हम ऊपर से डबल करके बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से ये देखिए हमारी चोली की ऊपर वाली साइड होगी, इस साइड से हम इसकी रेप कट करेंगे। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही इसको रखते हुए ऊपर से रेप कट करनी है। तो मैं इसमें निशान लगा, देखिए फ्रेंड्स, चोली जो हमने बनानी है उसका हमने ऊपर से ये देखिए इतना सा 1.5 से 1 इंच ज़्यादा हमने बस इतना सा ही रखना है। तो इतना हमें लेकर इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हाफ किया, जितना भी अभी हमारा हाफ आता है ये देखिए, उतने भी हम इसको यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये निशान लगा के अब मैं इसको यहाँ से नीचे से बिल्कुल रेप कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने इस तरह से कट करके ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम घेरा बना लेते हैं। तो घेरा बनाने के लिए वही प्रोसेस है जो मैं पहले सभी ड्रेसेस में करती हूँ। इन दोनों कपड़ों को हमने उल्टा रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों साइड अंदर है सीधे वाली, और उल्टी साइड बाहर करते हुए इसको मैं यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इधर से दोनों एजेस कवर करूँगी और नीचे से भी कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एजेस को कवर कर लिया है, ये देखिए दोनों तरफ से, और नीचे से भी कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं ये देखिए जो लेस है उसको मैं इस तरह से लगाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने इस लेस को इस तरह से लगाना है ताकि यहाँ पे देखिए हमारी ये हल्की सी किनारी सी बनती हुई दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से ऐसे लेस रख के सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो मैं घेरे को इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ, और एक सिलाई मैं इसको ऊपर साइड से भी लगा लूँगी क्योंकि जब हम प्लेट्स डालेंगे फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया है, और इस तरफ की ये सिलाई भी लगा ली है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें घेरा बनाएंगे। तो देखिए, प्लेट्स को हमने इस तरह से उठा उठा कर बारीक बारीक चुनटे बनानी है। इस तरह से हम, ये देखिए, इस तरह से रखना है हमको, और इस तरह से अब हम प्लेट्स बनाते हुए घेरे को बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमको इतनी बारीक बारीक प्लेट्स बनानी है, तो मैं इसका घेरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे गोपाल जी का एक घेरा बनकर रेडी हो गया है।
और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं इस पर हम रिबन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स रिबन को हमने एक्स्ट्रा इतना सा आगे से इतना छोड़ देना है और फिर हम इसको इस तरह से डबल करके और या आगे वाले रिबन पे भी सिलाई लगा लेनी है और इसको हम पूरा इस तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद फिर आगे से हम इतना सा रिबन और छोड़ देंगे बांधने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस तरह से इस रिबन को इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस रिबन को लगा लिया है। तो फ्रेंड्स रिबन को शुरू से लगाने से पहले इस तरह से फोल्ड कर ले और फिर इसको लगाने के बाद लास्ट में जाकर भी इस तरह से फोल्ड कर ले ताकि इसके धागे निकल कर रिबन ख़राब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से गोपाल जी की ड्रेस का घेरा बनकर रेडी हो गया है और अब हम चोली बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने ये चोली इस तरह से आपको काटनी बताई दी है, तो अब हम इसके ये देखिए ये तीनों साइड पर इस तरह से एक सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक एक पैर का गैप देते हुए तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हमारी चोली का फ्रंट पार्ट हो गया और अब हम इसके यहाँ पर देखिए इस साइड को लेस लगा लूँगी मैं थोड़ा सा। ये देखिए इस तरफ इस तरह से मैं इस लेस को लगाकर और फिर मैं साइड से रिबन लगाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लगाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने साइडों में इस तरह से रिबन लगाकर ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमने क्या करना है, इस चोली को इस तरह से हाफ कर लेना है। ये देखिए, और इसका जो ये मिड सेंटर है इसको आप पकड़ लें। ठीक है, और इसी तरह से घेरे को भी ये देखिए यहाँ से इसका जो ये मिड सेंटर है वहाँ पर हम इसको देखिए इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखकर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस तरह से आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गोपाल जी की ये ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स देखिए, आप इसमें एक ये लेस का एक छोटा सा इस तरह से फूल कट करके इसे आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये और भी सुंदर लगेगी। तो आपको फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।